आज मैं आपके साथ मोटी वाली हरी मिर्च से आलू भरवा मिर्च की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी है। यह रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम, नीलम्स किचन फिएस्टा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू भरवा मिर्ची बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्च ली है। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद जो पानी इसमें लगा है इसे कपड़े से पोंछ लेना है। इसके डंठल काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, मिर्च के बीच से लंबाई में इस तरह से चीरा लगाएंगे कि यह नीचे से जुड़ी रहे। इसके बाद इसके बीज अंदर से निकाल देंगे। इसी प्रकार से हमें सभी मिर्चों में चीरा लगाकर बीज निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने सभी मिर्चों में चीरा लगा दिया है। अभी इसे साइड में रख देते हैं। अभी हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज आलू बॉईल करके लिया है। इन्हें ग्रेट कर लेंगे। आप इसे मैश करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आलू कद्दूकस हो गए हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। इसी के साथ 1 प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्च को 2-3 मिनट हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अभी प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन दरदरा कूट कर डाल देंगे। 1 मिनट इन्हें भी प्याज के साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। अभी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसे चला लेंगे। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे और चला लेंगे। अभी इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तीखे के लिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। क्योंकि मोटी वाली हरी मिर्च तीखी नहीं होती है इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट मसालों को भी आलू के साथ भून लेंगे। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अभी इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी स्टफिंग भरावन के लिए रेडी है। अब हम एक हरी मिर्च बीज से खोलकर इसमें आलू की स्टफिंग दबा दबा कर भर देंगे। ऐसे ही हमें सभी मिर्चों को भरकर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से सभी मिर्च रेडी हो गई है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें सभी मिर्चों को एक एक करके डाल देंगे। अभी इसे ढककर 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इन्हें अलट पलट देंगे। अभी इसे ढककर पकने देंगे। ढक्कन हटाकर इसे फिर से चेक करेंगे। हरी मिर्च जहां नहीं सिकी है वहां से पलटकर सेंक लेंगे।
इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। अभी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इन्हें नीचे उतार लेंगे। इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसे आप रोटी, पराठा, दाल, राइस के साथ या फिर लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो अभी हमारी बहुत ही चटपटी टेस्टी आलू भरवा मिर्च की सब्जी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इन्जॉय कीजिए।